आज का कोई व्लॉग नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे पापा ने क्या क्या क्राफ्ट करा है एक महीने में। पापा बहुत अच्छे क्राफ्ट करते हैं, पहाड़ी हाउसेस बनाते थे। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ तो वहां पर ना पहाड़ी हाउसेस होते हैं, तो पापा 10-20 साल पहले भी पहाड़ी हाउसेस बनाते थे। पापा ने मेरे को फोटोज दिखाई थी तो बहुत अच्छे थे वो। तो हाउसेस है नहीं, पर पापा ने इस महीने बहुत सारे हाउसेस बनाए हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट में आपके लिए सरप्राइज भी है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और आप सबके लिए। तो ऐसे होते हैं हमारे कुछ पहाड़ी हाउसेस और पापा ने बहुत अच्छे बनाए हैं इस महीने। पापा ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए। तो देखो ये सबसे छोटा, देखो कितना छोटा सा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, बहुत छोटा है। और ये है उससे थोड़ा सा बड़ा, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। गाइस इससे भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं और गाइस बहुत अच्छा है बहुत। और पापा इसको सेल करने की भी सोच रहे हैं। तो अगर आपको ये अच्छे लगे आप मुझे कमेंट में बताना कैसे लगे आपको। अगर आपको अच्छे लगे तो पापा इसको सेल करने के भी सोच रहे हैं, तो पापा इसका प्राइस बता देंगे, फिर मैं इसको बता दूंगा कि इसका कितना प्राइस है। तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको सेकेंड दिखाता हूँ, सेकेंड हाउस, वो तो इनसे भी बहुत बड़ा है। तो ये है सेकंड हाउस और ये गाइस बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर प्लांट्स लगे हैं और जो कुनकुली में घर नहीं था मेरी ताई का, ये सेम वैसा ही है। और पापा ने बहुत टिकटॉक वैसे बनाया है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ पर दादाजी सोते थे। और यहाँ पर देखो अंदर क्या क्या चीजें लगी है। अंदर देखो यहाँ से हम ना जाते थे, इधर से रास्ता था बाहर जाने का। और ना यहाँ पर सीढ़ी लगी है, यहाँ पर गाय रहती थी यहाँ पर इधर। और यहाँ पर पापा ने बहुत हार्ड वर्क करा है, ये तो बहुत बड़ा है। तो देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको सबसे अच्छा दिखाता हूँ इससे भी अच्छा। तो ये रहा पापा का थर्ड हाउस, ये पापा ने बहुत अच्छा बनाया है। ये सेकंड हाउस है बड़े में, ये वाला बड़ा था और ये वाला से थोड़ा सा छोटा है। और गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसमें हैप्पी होम भी लिखा है। और ये पूरा जैसे लोगों का हाउस होता है ये सेम वैसा ही है, वैसी चीजें रख रखी है। और यहाँ पर भी पापा ने हरियाली कर रखी है, जैसे हमारे घर में हरियाली कर रखी है। और यहाँ पर देखो सोफा है, बहुत सारी चीजें, और ये ना खुलता भी है और इसमें लाइट भी लगाई है जो बंद होती है खुलती है। तो ये देख सकते हो आप अंदर से इसका नजारा है। यहाँ पर बेड है, अलमारी है, ये देखो टीवी भी है, और यहाँ पर वॉशरूम है, बाथटब है, और यहाँ पर देख सकते हो आप किचन भी है, और यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है, और यहाँ पर अलमीरा भी है, और देख सकते हो आप यहाँ पर शीशा भी है, और ये है सोफा। तो बहुत अच्छा बनाया है। और यहाँ पर ना झूला भी है, देखो आपको दिखाता हूँ, ये रहा गाइस झूला, और ये ना ऐसे करके झूलता भी है। तो बहुत अच्छा बनाया पापा ने। और इसकी लाइट दिखाता हूँ मैं, लाइट है यहाँ पर, इसको ऑन करते हैं, ये खुल जा। और देख सकते हो ये लाइट में और अच्छा लग रहा है, दिखाता हूँ। तो देख सकते हो लाइट में और अच्छा लग रहा है। बाथटब में वो क्या बोलते हैं, बाथरूम में लाइट लगा रखी है, तो देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थे कुछ क्राफ्ट जो पापा ने बनाए थे। और मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, जो अभी मैंने बोला था, हम जहाँ से हमने व्लॉग की शुरुआत करी थी तो हम वापस जा रहे हैं उत्तराखंड। वहाँ पर हमारी है झालीवाली देवी की पूजा, और वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि माता की पूजा हो रही है। और वैसे 5 तारीख को हम निकल रहे हैं, 5 जून को हम जा रहे हैं उधर से। तो वहां पर पहले जब हम पिछले साल गए थे ना, तो हम 5 जून को ही गए थे, जून से ही हमने व्लॉग स्टार्ट करा था, और जून से ही हम उत्तराखंड गए थे। तो इस बार भी हम जून को जा रहे हैं, सेम मंथ जा रहे हैं। और वहां पर मैंने ना, हमारा कुनकुली का एक ग्रुप है जहाँ पर सारी वीडियो फोटोज आती है गाँव की, तो वहां पर उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है। वहां पर भैया है, चाचा है, ताऊ है, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है। उधर मंदिर पूरा सजा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम जाएंगे और माता के दर्शन करेंगे। और तो ये थी आज की वीडियो, तो आपको कैसी लगी? अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।